हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि x का अर्थ प्लस, z का अर्थ डिवाइड भाग और y का अर्थ माइनस घटाव, p का अर्थ मल्टीप्लाई मतलब गुना, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। p का अर्थ कितना बोल रहा है? मल्टीप्लाई, तो इस जगह गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद x का अर्थ बोल रहा है प्लस, तो इस जगह प्लस लिखेंगे। और y का अर्थ क्या बोल रहा है? माइनस, तो इस जगह माइनस लिखेंगे। अब देखिए पहले क्या होगा, गुना होगा, 10 गुना कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो इस जगह प्लस लिखेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। पहले क्या हो जाएगा, अब जोड़ होगा, 20 और 5 कितना आ जाएगा? 25, 25 में 5 घटा लेंगे कितना आ जाएगा? 20, 20 देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पुस्तक एक पंक्ति में लगी है, दाईं ओर से 19वीं पुस्तक और बाईं ओर से 30वीं पुस्तक के बीच 10 पुस्तकें हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं, इधर से बोल रहा है 30, बाईं ओर से 30 है, बाईं ओर से 30 है और दाईं ओर से 19वीं है, इधर से 19 है लेकिन बोल रहा है बीच में 10 पुस्तक है, इधर से 30 और इधर से 19 है, इधर से कितना है? 19 है, 19। तो पुस्तकों की कुल संख्या 50 से अधिक है। अगर यहाँ पे अधिक रहता है तब क्या करेंगे, ये तीनों नंबर को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। 30 प्लस 10 प्लस 19 को जोड़ेंगे, 30 यहाँ से जोड़ लेते हैं इधर ऊपर में, 30 प्लस 10 प्लस 19 टोटल को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 59, 59, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे कम रहता उसका दूसरा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणियों के बीच संबंध का सही निरूपण प्रतिनिधित्व करता हो। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये गृह मंत्री और मंत्रिपरिषद और मंत्री सभी क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद के अंदर आ जाएगा। तो मंत्रिपरिषद का बन जाएगा, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? मंत्री होगा और मंत्री के अंदर ही गृह मंत्री होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कैसे बनाना है? 5, 14, 30, 55 क्वेश्चन मार्क। तो देखना है अंतर, यहाँ पे अंतर इसका कितना है? 9 का अंतर है, इससे 9 का अंतर है, 9 का अंतर है, आगे ये 16 का अंतर है, इससे 16 और यहाँ अंतर कितने का है? 25 का है। तो देखिए ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर और 5 25 5 का स्क्वायर आगे होना चाहिए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये 55 में 36 को जोड़ लेंगे, 6 5 11 5 3 8 1 9 91, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 12 मल्टीप्लाई 6 बराबर 207, 14 गुना 7 बराबर 809, 13 गुना 4 का मान बताना है। देखिए क्या करना है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 छके कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, और 72 को उल्टा के लिख सकते हैं कितना आ जाएगा? 27, और बीच में एक जीरो दे देंगे कितना आ जाएगा? 207, यहाँ वाला दिया गया है। आगे भी यहाँ पे देखिए 14 सत्य कितना होता है? 98 होता है, 98 को उल्टा के लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा? 89, और बीच में एक जीरो देंगे तो 809 हो जाएगा। फिर 13 चौके कितना होता है? 52 होता है, 52 को उल्टा के लिख लेंगे कितना आ जाएगा? 25, और बीच में एक जीरो दे देंगे कितना आ जाएगा? 205, 205 देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 8, 5, 13, 18, 31, 49। देखिए ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो ये अगला वाला संख्या आएगा, फिर ये 15 और 13 को जोड़ लेंगे तो आगे वाला संख्या 18 आ जाएगा, फिर 13 और 18 को जोड़ लेंगे तो 31 आ जाएगा, फिर 18 और 31 को जोड़ लेंगे तो 49 आ जाएगा, फिर 49 और 31 को जोड़ लेंगे, ये 31 और 49 को जोड़ लेंगे, 9, 10, 4, 3, 7, 1, 8 कितना आ जाएगा? 80, 80 देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में असंगत को ढूंढिए। देखिए 32 जो है, अगर यहाँ पे 2 से 32 को भाग दे देंगे कितना आ जाएगा? 16, 16 में एक जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 17, फिर 17 को 2 से भाग दे देंगे, 8, 2, 16, 8.5 आ जाएगा, फिर एक इसमें जोड़ देंगे तो 9.5 आ जाएगा, फिर 9.5 में
दो से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 4.75, इसमें से एक जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 5.75। तो यहाँ कितना आना चाहिए 5.75 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5.75 को 5.75 को दो से भाग दे देंगे और प्लस एक करेंगे तो 3.875 आएगा। तो असंगत कौन सा हो जाएगा 4.75, इसके जगह आना चाहिए 5.75। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे नाना के इकलौते दामाद का इकलौता बेटा है। देखिए यहाँ पे फोटो है, मान लेते ये फोटो है और इसका मम्मी बनेगा पहले, उसके बाद यहाँ ऊपर हो जाएगा उसका नाना, इसका दामाद यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, ये पति पत्नी हो जाएगा। बोल रहा है इसके दामाद का इकलौता बेटा, तो दामाद का इकलौता बेटा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा यहाँ से। अब बोल रहा है फोटो से उस व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है, तो वह स्वयं हो जाएगा। ये वाला पूछ रहा है कि कौन हो जाएगा, तो वह स्वयं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खास कूट भाषा में स्टेट एसटीएटी को 65 लिखा जाता है, तो चाइल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एस देखिए कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर, टी आता है 20 नंबर, ए आता है 1 नंबर, फिर टी है तो 20 नंबर और ई आता है 5 नंबर। तो सभी संख्या को अगर जोड़ लेते हैं 19+20+1+20+5 कितना आ जाएगा 65। तो चाइल्ड सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे। उसके बाद आगे देखिए एच आता है 8 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे। तो 12+4+9+8+3 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 36। 36 देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष वर्ष की 14 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष की 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए 14 मार्च, मार्च में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। तो सबसे पहले 31 में 14 घटा लेंगे, कितना आंसर यहाँ पे आ जाएगा 17। अब देखिए मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल होता है, तो यहाँ पे 21 अप्रैल दिया है, तो इसमें 21 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 38। अब क्या करेंगे, 38 को 7 से भाग दे देंगे, सप्ताह में 7 दिन होता है इसीलिए 7 से भाग दिया जाता है, 7 बचे कितना आ जाएगा 35, शेष कितना बचा 3 दिन। तो यहाँ पे सोमवार दिया गया है, एक दिन जोड़ लेंगे तो मंगलवार, दो दिन जोड़ लेंगे तो बुधवार और तीसरा दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार या बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार। देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।